गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि डिटरमिनर्स क्या होता है, किस प्रकार डिटरमिनर जो है एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, और ये भी हमने देखा कि डिटरमिनर एडजेक्टिव से कैसे अलग हुआ, ये भी हमने देखा। और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया प्यारे बच्चों कि डिटरमिनर्स की टाइप क्या क्या होती है, कितने प्रकार का होता है ये। और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया प्यारे बच्चों उस वीडियो लेक्चर में कि डिटरमिनर्स का सेंटेंस में क्या प्लेस होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, सम और एनी, इन दोनों डिटरमिनर्स को सेंटेंसेस में हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सम को लेते हैं। सम, सम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों हिंदी में? कुछ होता है। इस डिटरमिनर को प्रयोग करने से पहले सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो नाउन होता है वो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। संज्ञा जो होती है प्यारे बच्चों उसको गिना भी जा सकता है और ऐसी संज्ञाएं भी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अब काउंटेबल नाउन को आगे फिर हम डिवाइड कर देते हैं प्यारे बच्चों दो हिस्सों में, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं, यानी एकवचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। जैसे बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे मिल्क, व्हीट, राइस। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, क्या आप इनको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन कौन से नाउन आते हैं। अब बात करते हैं सम की। सम का जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों वो क्वांटिटी के लिए भी होता है और नंबर के लिए भी होता है। मतलब मात्रा के लिए भी किया जाता है और संख्या के लिए भी किया जाता है। अब आप देखिए, मात्रा की बात जहां होती है वहां पर क्या आता है प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है, मिल्क की बात होती है, व्हीट की बात होती है, राइस की बात होती है, राइट? ये अनकाउंटेबल है, यानी सम का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब नंबर, अब संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो आपकी काउंटेबल होती है और काउंटेबल भी फिर आपके वही दो प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल। तो सम का प्रयोग क्या इसके साथ होगा? सम का प्रयोग क्या इसके साथ होगा?
प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, सम का प्रयोग संख्या के साथ होता है और ऐसी संख्या जो प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाती है, सिंगुलर के साथ नहीं होगा, प्लूरल के साथ होगा। मतलब बॉय कैट इनके साथ नहीं होगा, बॉयज कैट्स इनके साथ होगा। तो यहां से हमने क्या सीखा, ये बात मैंने क्यों बताई है प्यारे बच्चों, वो इसलिए बताई है, मैं ये बात आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि सम का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, सम का प्रयोग जो है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या रखनी है, कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ और सम का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। ये पॉइंट समझ में आ गया, चलिए अब आगे आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने सीख लिया कि सम का प्रयोग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। इनके साथ हम प्रयोग करते हैं। अब किस किस प्रकार के वाक्यों में हम सम का प्रयोग करते हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं प्यारे बच्चों सकारात्मक वाक्य। जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ऐसे वाक्यों में हम सम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बॉट, अब यहां पर ब्लैंक आ जाए एप्पल्स, तो ये देखिए किस प्रकार का नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में भी है। जैसे ही सम का प्रयोग करना है तो आपका ध्यान यहां पर जाना चाहिए प्यारे बच्चों, आपने इस नाउन को देखना है सबसे पहले और देखना है क्या यह नाउन अनकाउंटेबल है, यह तो नहीं है। क्या यह नाउन काउंटेबल है, एप्पल काउंट कर सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल, इसका मतलब काउंटेबल है, और एप्पल्स लिखा हुआ इसका मतलब ये प्लूरल भी है, इसका मतलब इसके साथ सम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये वाक्य सकारात्मक भी है, इसमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। गॉट इट, तो यहां पर हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा और कोई एग्जांपल देख लीजिए, दैट्स पीपल आर गोइंग टू द मार्केट, कॉमन नाउन है प्यारे बच्चों, काउंटेबल भी है, सम पीपल कुछ लोग बाजार में जा रहे हैं, राइट right? Put milk in tea. अब यहां पर देखिए कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क, पुट सम मिल्क इन टी, चाय के अंदर कुछ दूध डालो, got it? बहुत आसान होता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यदि आपके पास काउंटेबल प्लूरल नाउन मिलता है आपको, अनकाउंटेबल नाउन्स अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर आप सम का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। अब आइए सेकंड, हम इसका उपयोग देख लेते हैं और किस प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नॉट भी आपको मिले और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ। नेगेटिव, नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक वाक्य भी हो, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य आप लिखोगे उसका जवाब जो है ना, जिसके लिए आप बोल रहे हो उसका जवाब अफर्मेटिव होना चाहिए। आपको लगे कि जो बात आप किसी से पूछ रहे हो या बता रहे हो वो यस में जवाब हो, आपको उम्मीद है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, डिडंट आई गिव यू सम बुक्स ऑन लास्ट संडे, डिडंट आई गिव यू सम बुक्स ऑन लास्ट संडे, क्या मैंने तुम्हें कुछ पुस्तकें पिछले रविवार को नहीं दी। आप किसी से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैंने पिछले रविवार को कुछ पुस्तकें तुम्हें नहीं दी, मतलब तुमने दी है उसको, और वो कहेगा हां यस दी है। तो ऐसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसका जवाब आपको लगे कि अफर्मेटिव में है, सकारात्मक है, यस में है, उनके अंदर भी सम का प्रयोग किया जाएगा। वो कंडीशन तो रहेगी प्यारे बच्चों, ये तो रहेगी, अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल प्लूरल नाउन्स की कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये दूसरी बात है किस प्रकार का वाक्य होगा वो। दूसरा और कोई एग्जांपल देख लो, आरेंट सम पेंसिल्स इन द ड्रॉअर, आरेंट देयर सम पेंसिल्स इन द ड्रॉअर, क्या ड्रॉअर के अंदर कुछ पेंसिल नहीं है। किसी ने सवाल किया कि मुझे पेंसिल चाहिए, और तुम उसको कह रहे हो कि जो ड्रॉअर है क्या उसके अंदर कुछ पेंसिल नहीं रखी है, मतलब वो जवाब देगा कि हां वहां तो रखी है तो वहां से निकाल लो। तो ये देखिए, aren't there, अब ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, और यहां पर हमने पेंसिल से पहले सम का प्रयोग भी किया है। तो अभी तक हमने देखा प्यारे बच्चों कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें भी सम का प्रयोग होता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिनका जवाब आपको अफर्मेटिव में मिले, यस में मिले, ऐसे सेंटेंसेस में भी सम का प्रयोग होता है। और देखते हैं और कहां होता है प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है प्यारे बच्चों, अकेले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
वैसे बेसिकली तो दो ही मुख्य प्रयोग होते हैं, अफर्मेटिव में होता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों। कहां पर यूज करेंगे? जहां पर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट मिले, जहां पर आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, इन दो कंडीशन में। कैसे भला? विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज? देखिए प्यारे बच्चों, इस वाक्य में ये विल से शुरू है। मोस्टली जो वाक्य इस प्रकार के होते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के वाक्य होते हैं, वो कैन से भी शुरू हो सकते हैं, विल से भी शुरू हो सकते हैं, वुड से भी शुरू हो सकते हैं, कुड से भी शुरू होते हैं। वुड से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो मोस्टली ऑफर के लिए स्टार्ट होते हैं। तो विल, कुड, गुड का प्रयोग जो है प्यारे बच्चों वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस इनसे शुरू होंगे, विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, क्या कुछ रुपया तुम मुझे उधार दोगे, कृपया क्या कुछ रुपया तुम मुझे उधार दोगे। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी और देख लीजिए प्यारे बच्चों, Would you like to have some sugar in coffee? अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, ऑफर है यहां पर। आप किसी को ऑफर दे रहे हो, यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे थे आप, यहां पर ऑफर है। यही बात मैंने लिखी है, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। वुड यू लाइक टू हैव सम सुगर इन कॉफी, क्या तुम कॉफी के अंदर कुछ चीनी लेना चाहोगे? आप ऑफर कर रहे हो किसी को। तो जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट मिले, ऑफर मिले, वहां पर आपको सम का प्रयोग करना। ये देखिए, सुगर से पहले सम लगा रखा गया है बच्चों, मनी से पहले सम लगा रखा गया है बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मनी और रुपीज के साथ कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों। मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है और रुपी जो है वो काउंटेबल नाउन में आता है। कैसे पहचानोगे? अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आपको पहचानना पड़े तो प्यारे बच्चों उसका प्लूरल बना करके देख लो। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनेगा। आपको मनीज कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिल्क के साथ एस लगा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, आपको राइस के साथ एस लगा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं जिन नाउन के साथ, जिन नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते, समझो वो अनकाउंटेबल है। बड़ी आरामदायक पहचान है ये, और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ये नाउन के टॉपिक में, जब हम नाउन का टॉपिक बहुत डिटेल में सीखेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे प्यारे बच्चों कि अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, नंबर, जेंडर, ये सारी बातें वहां पर होंगी। अति विनम्र प्रार्थना भी देख लेते हैं। कुड यू पास some salt, ये देखिए, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वहां पर साल्ट जो है वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ, आपकी रीच से दूर रखा हुआ है, तो आप किसी से अति विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि कुड यू पास सम साल्ट, क्या कृपया करके आप थोड़ा सा वो साल्ट जो नमक है वो मेरी तरफ पास करोगे। अति विनम्र प्रार्थना, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट।
जब आपको मॉडल सिखाए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर ये आपको बताया जाएगा कि वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि वेरी पोलाइट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें नाउन के पहले अगर ब्लैंक आ जाता है और वहां पर अगर आपको कोई डिटर्मिनर भरना है तो आप सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद कंडीशन पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, ऐसे केसेस में हम सम डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं कि एनी का प्रयोग कहां होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एनी का यूज। एनी का जो यूज होता है प्यारे बच्चों, वो सम की तरह अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ? काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर नाउन के साथ भी होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी होता है। जितनी भी हमारी एकवचन संज्ञाएं आपको मिलेंगी या बहुवचन संज्ञाएं मिलेंगी जिनको हम गिन सकते हैं प्यारे बच्चों, उन सभी के साथ एनी का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, सम का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता जबकि एनी का होता है। ठीक है, मतलब दोनों में बस यही एक मोटा सा फर्क है। अब आइए देखते हैं कि एनी का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। वहां आपने देखा था कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है, तो एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। सबसे पहला जो प्रयोग है प्यारे बच्चों, वो है विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो वाक्य आपके नकारात्मक होते हैं उन वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां से पता लगता है ये वाक्य नेगेटिव है। तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको मिले, यहां पर आप सम नहीं लगा सकते, आई डोंट हैव सम मनी इन माई पॉकेट ऐसे नहीं बोल सकते, वो बिल्कुल अनग्रामेटिकल होगा। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो आप समझ लेना कि आपको एनी का प्रयोग करना है, यदि डिटर्मिनर भरने की बात है तो। समझ में आ गया? कोई दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी। मेरे पास मेरे पुस्तकालय में कोई पुस्तकें नहीं हैं। तो यहां देखिए, यहां पर तो हमने लिया है अनकाउंटेबल नाउन को लिया है, और यहां पर हमने किसको लिया है? काउंटेबल प्लूरल नाउन को लिया है। प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर बुक भी दिया होता, आई डोंट हैव एनी बुक इन माई लाइब्रेरी, तो भी बिल्कुल सही है। आई डोंट हैव एनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, तो भी बिल्कुल सही है। यानी ये सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है। तो ये आपने सीख लिया कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर एनी का प्रयोग किया जाता है। और
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों में, अब आप कहोगे कि जी प्रश्नवाचक वाक्यों में तो सम का प्रयोग भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने वहां पर दो कंडीशन बताई थी आपको प्यारे बच्चों, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में पोलाइट रिक्वेस्ट दी हुई हो या आप कोई चीज किसी को ऑफर कर रहे हो, राइट, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में तो सम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आमतौर से जो जनरल जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें एनी का प्रयोग ही किया जाता है। मोस्टली जो वाक्य होते हैं उनके अंदर एनी का प्रयोग ही किया जाता है प्यारे बच्चों। जैसे डू यू हैव एनी पेन इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में कोई पेन है? ये देखिए, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, उससे पहले हमने उसको भरा है, और वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य भी है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा रखा है। तो ये यहां से भी पता लग जाएगा कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, और आपने देख लिया कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर एनी का प्रयोग किया जाता है। तो डू यू हैव एनी पेन इन योर पॉकेट, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हो जिसमें पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, जिसमें ऑफरिंग्स नहीं है, आप किसी कोई चीज ऑफर नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में प्यारे बच्चों आपको एनी का प्रयोग करना है, वो पार्टिकुलर है, ठीक है। आमतौर से सभी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में उन दो को छोड़ करके एनी का प्रयोग ही किया जाता है। और कहां ये दो मुख्य होते हैं प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव में तो वहां पर किया जाता है, लेकिन तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों वो ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एनी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक। अब कौन से अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर एनी का प्रयोग होगा? थर्ड पॉइंट, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्यारे बच्चों, इस टॉपिक की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक। क्यों है? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो सम का प्रयोग होता है, और मैं यहां लिख रहा हूं कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब यहां पर भी एनी का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे कौन से अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे प्यारे बच्चों? कुछ पार्टिकुलर फ्रेजेस हैं हमारे इन एनी केस, यहां पर देखिए, On any day, at any rate, at any hour। तो ये पार्टिकुलर फ्रेजेस अगर किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, तो इनसे पहले तो एनी ही आएगा, यहां पर आप सम नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कम डे यू लाइक। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, और यहां पर डे से पहले आपको सम और एनी में से चूज करना है। तो देखिए, यू कैन कम समडे यू लाइक, आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा,
क्योंकि डे से पहले एनी ही आएगा। यू कैन कम एनी डे यू लाइक, तुम जिस दिन चाहो उस दिन आ सकते हो। गॉट इट? दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव बॉट दिस बुक, आई मस्ट हैव बॉट दिस बुक एट एनी रेट। मुझे किसी भी कीमत पर ये किताब खरीदनी चाहिए, एट एनी रेट। अब यहां पर ब्लैंक आ गया प्यारे बच्चों, तो आपको एनी ही भरना है। वाक्य सेंटेंस आपको अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन इस पार्टिकुलर फ्रेज के अंदर एनी ही आएगा। आई मस्ट हैव बॉट दिस बुक एट एनी रेट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इन एनी केस, आइए इसको यूज करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स वुड हैव कम टू द साइट ऑन दैट डे इन एनी केस। अधिकतर प्रोमिनेंट लीडर्स, जो प्रोमिनेंट मतलब जो मुख्य नेता हैं, वुड हैव कम टू द साइट, वो उस साइट के ऊपर गए होंगे, आए होंगे ऑन दैट डे, उस विशेष दिन। इन एनी केस, किसी भी सूरत में। तो यहां पर आपने देखा प्यारे बच्चों, हमने इस फ्रेज का प्रयोग किया, इन एनी केस। आपने देखा एट एनी रेट, आपने ये भी देखा एनी डे। तो ये फ्रेजेस अगर आपको मिल जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो आप मान के चलो प्यारे बच्चों कि वहां पर एनी का प्रयोग होगा ही होगा, चाहे वो वाक्य हमारा अफर्मेटिव ही क्यों ना हो। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एडवर्ब्स आपको मिलेंगे, हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, रेयरली। ये इन एडवर्ब्स के साथ भी प्यारे बच्चों एनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। आई हैव hardly any money to help you। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर hardly आ गया और ये आपका noun आ गया uncountable, और इससे पहले blank था तो वहां पर हमने any को भर दिया, क्योंकि ये sentence देखने में आपको affirmative जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन वाक्यों की सेंस जो होती है ना प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव ही होती है। मेरे पास आपकी सहायता करने के लिए कोई धन नहीं है, हार्डली, नॉट एट ऑल, मतलब इनका मीनिंग नॉट एट ऑल ही होता है, मतलब ना के बराबर होता है। गॉट इट? आप स्केयर्सली को देख लीजिए। I have scarcely
आई हैव स्केयर्सली एनी चांस टू पास दिस एग्जाम। यहां देखिए प्यारे बच्चों, स्केयर्सली का मैंने प्रयोग किया है और चांस से पहले मैंने एनी को लगाया है। आई हैव स्केयर्सली एनी चांस टू पास दिस एग्जाम। इस परीक्षा को पास करने के लिए मेरे पास कोई मौका नहीं है, मतलब चांस जो है वो न के बराबर है। गॉट इट? तो इस प्रकार की एडवर्ब्स अगर आपको सेंटेंसेस में मिल जाती हैं, हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, रेयरली, चाहे वो वाक्य आपको अफर्मेटिव जैसे ही लगे, लेकिन वहां पर आपको एनी का प्रयोग करना है। गॉट इट? प्यारे बच्चों, ये चार यूजेज जो हैं वो थे आपके एनी के। सम को भी बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आइए एक बार जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, सम का प्रयोग आपने देखा काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, और काउंटेबल नाउन में जो प्लूरल नाउन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में सम का प्रयोग नहीं किया जाता। यही डिफरेंस है एनी के साथ, क्योंकि एनी का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है, सम का भी होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन एनी का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ दोनों के साथ होता है प्यारे बच्चों, जबकि सम का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। गॉट इट? ये मेजर डिफरेंस है। उसके बाद फिर हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सम का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ सम का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट या कोई ऑफर हम दे रहे हैं वहां पर भी किया जाता है। वो तीन यूजेस हमने देखे सम के। गॉट इट? और फिर हमने देखा कि एनी का जो प्रयोग है वो अधिकतर प्रयोग जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी। और तीसरा जो प्रयोग हमने देखा प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है, लेकिन इन पार्टिकुलर केस के अंदर ये फ्रेजेज जब आपको किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलते हैं तो किया जाता है। और चौथा जो इसका प्रयोग हमने देखा कि ये एडवर्ब्स अगर आपको किसी सेंटेंस में मिल जाती हैं तो वहां पर भी एनी का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ना समझ में आए प्यारे बच्चों तो इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 3 बार देखें तो ये बिल्कुल आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ सम का प्रयोग होगा और कहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहे हैं 10 सेंटेंसेस की, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। पहले इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद ही उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।